और बेंगलुरु की अली खाजा एकेडमी के जरिए उनका काउंसलिंग कराए और ये क्रेडिट जाता है जमात इस्लामी हिंद को क्योंकि ये जमात इस्लामी की जानिब से एक पूरा नेटवर्क चलाया गया और हमने जमात ही के प्रोग्राम के तहत यहाँ प्रोग्राम किया और सबको काउंसलर्स के जरिए से उन्हें टेस्ट रिपोर्ट इंटरेस्ट टेस्ट पोटेंशियलिटी टेस्ट कैपेसिटी टेस्ट की रिपोर्टें दी गई हैं और वो भी फॉलोअप में हैं। अभी आपको मैं ये बताते चलूँ कि एस आई ओ के जिम्मेदार को भी हमने मदद किया है। इन्हीं मकासद के तहत दिल्ली में एक ट्रस्ट बनाया गया है, टैलेंट प्रमोशन ट्रस्ट। जब मैं सेक्रेटरी हुआ करता था, ये 96 की बात है, तो पूरे हिंदुस्तान से 20 बच्चों को इस मैदान के लिए सेलेक्ट करने का टारगेट रखा गया और वो एस आई ओ हॉस्टल दिल्ली में रखकर उन्हें इस मैदान में पीएचडी तक और आला तालीम तक उन्हें सहूलत देने तैयार करने का मंसूबा बनाया गया। और हमारे ही ज़िले के बगल में हुमनाबाद के एक बच्चे ने, जिसका नाम मन्नान शरीफ है, मन्नान शरीफ अब्दुल मन्नान शरीफ, वो 10th जब यहाँ पास किए डिस्टिंक्शन से, हमारे पास 10 डिस्टिंक्शन से पास होते ही उनसे अच्छे साइंस कॉलेज को जाना सोचते थे, लेकिन उन्हें हमने अडॉप्ट किया, उनकी काउंसलिंग की और एसआईओ दिल्ली मुंतकल किया। जामिया मिलिया से उन्हें 11th 12th कराया आर्ट्स फैकल्टी में, बीए और एमए किया और इकोनॉमिक्स में उन्होंने पीएचडी की। आज वो यूएसए में इकोनॉमिस्ट की हैसियत से एक एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं। अभी 2 महीने पहले उनकी शादी हुई, 7 लाख रुपये उनका पेमेंट है और वो 7 लाख 70 लाख हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे लिए बड़ी सादतमंदी की बात है कि बीदर के एक वाहिद मुस्लिम सपूत जनाब नदीमुद्दीन साहब ने ये काम करके दिखाया जो यहाँ पर सैकड़ों सालों में नहीं हो सका और उन्होंने बता दिया कि मिल्लत इस्लामिया के नौजवान भी कुछ कम नहीं हैं। अगर वो ऊंचा ख्वाब देखें तो उस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं और उसकी ज़िंदा मिसाल मुझे बहुत खुशी हुई। 2 दिन पहले मैं जब इनके घर गया तो उनके छोटे भाई से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इंटर को रिज़ाइन करके आया हूँ, जब मेरे बड़े भाई आईपीएस बन सकते हैं तो मैं आईएएस बन सकता हूँ। और वो दिल्ली से आने का उनका पसे मंजर यही है कि वो छोटे भाई को साथ लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह आप में से बहुत से इंशाल्लाह आइंदा इन 6 मैदानों में कोई बड़े कारनामे अंजाम दे सकते हैं। डॉक्टर बनके भी आप कर सकते हैं क्योंकि जो कुछ करना है आपको ग्रेजुएशन के बाद करना है। मैं अपनी गुफ्तगु मुख्तसर करते हुए नदीम साहब की मैं बड़ी खुशी और मसरत के साथ सबसे पहले तहनियत करना चाहता हूँ। इस्तकबाल करते हुए उनकी तहनियत भी मैं ज़रूरी समझता हूँ। मैं सबसे पहले अविनाश सर को वेलकम करता हूँ, वो इससे पहले भी हमारे पास आए हैं, उनका कोऑपरेशन हमारे साथ रहा है, बेंगलुरु के डायरेक्टर साहब तक भी पहुँचाएँ जी। दरमियान मौलाना
मोनिस किरमानी साहब हैं, मौलाना अब्दुल वहीद कासमी साहब, मौलाना अब्दुल गनी खान साहब, वालिद मोहतरम, ये वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद नईमुद्दीन साहब की मैं गुलबशी करते हुए बड़ी खुशी और मसरत महसूस कर रहा हूँ। दरमियान कॉलेज का स्टाफ है, स्कूल का स्टाफ है और ये कॉलेज के स्टूडेंट हैं। एक्चुअली अप्रैल में CBSE पैटर्न पर हमने न्यू एकेडमिक ईयर शुरू कर लिया ताकि मई और जून में बच्चों को छुट्टियां दें और वो रमजान में छुट्टियों से एंजॉय करें। तो 25 जून से हमारे स्कूल शुरू होने जा रहे हैं। ये सिर्फ 2 क्लास के स्टूडेंट हैं, 11th और 12th के बॉयज और गर्ल्स हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 400 की है और स्कूल का स्टाफ है, कॉलेज का स्टाफ है। मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करते हुए, अभी आगे के प्रोग्राम की तरतीब ऐसी होगी कि हम नदीम साहब से उनके ख्याल सुनेंगे, उसके बाद इंटरेक्शन का मौका होगा, यानी आप उनसे गुफ्तगू कर सकेंगे, सवाल कर सकेंगे। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो वो आपसे सवाल करेंगे। और नदीम साहब की स्पीच के बाद मौलाना हजरात को दूसरे प्रोग्राम हैं, हम उनसे कलमा से खैर सुनकर उन्हें इजाज़त दी। मोहतरम जनाब मोहम्मद नदीमुद्दीन साहब जी, नगर तकदीर की परवा मुखद्दर आजमाता जा, नगर तकदीर की परवा मुखद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। आई मोहम्मद नदीमुद्दीन, अ नेटिव ऑफ बीदर सिटी कर्नाटका, हैव सिक्योर्ड अ रैंक ऑफ 656 इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2017। I would like to respected members of the dais and secretary of the wisdom institution and all the ulama ikram present here, first of all I would like to thank you for inviting me here and giving me the opportunity to speak before you, and assalamu alaikum wa rahmatullah. I did my schooling in the Bidar city of Kendriya Vidyalaya and then I came to Hyderabad. I went to Hyderabad and did my intermediate, that is 11th and 12th, and then I switched to engineering in Bangalore. So मेरी basically जो तालीम हुई ये बीदर में ही हासिल हुई और इसके बाद मेरा सफर हैदराबाद, फिर बैंगलोर, फिर अभी दिल्ली। मेरा घर क्योंकि पुलिस स्टेशन के पास ही रहा है तो बचपन से मेरी यही ख्वाहिश रही थी कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूँ। जब मैं अपने स्कूल में था तो मैं एक NCC कैडेट भी रहा था और उसके साथ साथ भारत स्काउट्स का भी हिस्सा था।
एनसीसी कैडेट के रहने की वजह से मेरी पर्सनालिटी में एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन आ गया था। मैंने अपना जो डिसीजन था कि मुझे एक ना एक दिन पुलिस ऑफिसर बनना है, इसको मैंने लेके ही अपना ग्रेजुएशन मैंने फिनिश किया था, और सून आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैं दिल्ली चला गया। 2016 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट किया था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पहले अटेम्प्ट में मुझे ये सक्सेस हासिल नहीं हो पाई। आज भी मुझे वो दिन याद है, 20 फरवरी 2017, जब मैंने फिल्म्स का एग्जाम क्लियर कर लिया था और उसके बाद मैंने मेंस दिया था, बट मेरा मेंस का रिजल्ट नहीं आ पाया था। मैं बहुत मायूस हुआ कि अब कैसे होगा, मैंने इतना टाइम लगाया है, अब कैसे हासिल होगा। लेकिन उसके बाद मैंने अपने मिस्टेक्स को एक्नॉलेज किया और उस पर वर्क किया। एग्जैक्ट उसी दिन अगले साल यानी कि 20 फरवरी 2018 को मैं यूपीएससी भवन में अपना इंटरव्यू दे रहा था। तो ये जो पीरियड है 20 फरवरी 2017 से लेकर 20 फरवरी 2018 तक, इसने मेरी कंप्लीट लाइफ चेंज कर दी। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और आपको कुछ गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। और जब मैं आपके सामने ठहरा हूँ तो मुझे अपना वो पल याद आता है जब मैं 11th और 12th क्लास में हुआ करता था। मैं एक छोटा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 11th 12th के बाद जैसे आप लोग काफ़ी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं अभी, उसी तरह से मैंने बहुत एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी की, जैसे IIT, AIEEE, BILSAT और भी बहुत सारे तरीके एग्जाम्स मैंने दिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं किसी में भी क्लियर नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि मुझे अभी भी याद है, जब AIEEE का मेरा रिजल्ट आया था तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि ये तो मेरा मोबाइल फोन नंबर है, तो हैंगिंग मेरी उतनी पीछे हो गई थी। बट क्योंकि मेरा डिसीजन था कि मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है बड़े होकर के, वो मेरा डिसीजन फॉर्म था और मैंने अपनी इंजीनियरिंग मुकम्मल करने के बाद मैं दिल्ली आ गया और इसी तरह से मैंने अपनी कामयाबी अपने सेकेंड अटेम्प्ट में हासिल की। आज मैं आपके सामने ठहरा हूँ तो मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा कि आपका जो अभी जो टर्म चल रहा है यानी कि 11th 12th, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके करियर के लिए, आपके लाइफ के लिए। आप इसको कैसे स्पेंड करते हैं वही डिसाइड करेगा कि आगे आप कैसे रहेंगे। सेकेंडली मैं आपसे ये एक और बात कहना चाहूँगा कि टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ। आप अपनी लाइफ का जो टाइम है बहुत प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज कीजिए। जब आप यहाँ पर रहते हैं तो कोशिश इस बार की कीजिए कि कंसेप्शन क्लैरिटी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, कंसेप्शन क्लैरिटी। एट द सेम टाइम आपके सामने में ये एग्जाम्पल इसका ये है कि हमारे सिर्फ लाइफ में वी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ ओनली इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। या फिर जब आप ग्रेजुएशन बन जाए, जैसे आशीष सर ने कहा कि देयर इज वेरी डाइवर्सिटी इन लाइफ। मैं एक अनफॉर्चुनेट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बीदर में इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट स्टेशन है, और सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट स्टेशन होने के बावजूद भी आज तक यहाँ बीदर डिस्ट्रिक्ट से कोई भी इंडियन एयरफोर्स में एज ऑफिसर नहीं रिक्रूट हुआ। क्यों? इसका रीज़न यही है कि जो लिमिट्स हैं हमारे सिर्फ माइंड में हैं, लिमिट्स हमारे सिर्फ माइंड में हैं। जब मैं पहली बार अपनी इंजीनियरिंग मुकम्मल करके जब दिल्ली जा रहा था, काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा क्यों जा रहे हो, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, नहीं जा रहे। तो लेकिन मैंने उनको आज डिस्प्रूव कर दिया कि अगर आप चाहें, आप डेडिकेट हो, आपका कोई टारगेट है, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल। इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि फील दैट यू आर वेरी प्रिविलेज, देर आर मेनी पीपल हु हैव मेनी पोटेंशियल बट दे डोंट हैव द मीन्स टू गेट एजुकेट देमसेल्व्स। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिविलेज क्लास से बिलोंग करते हैं, सभी लोग, हमको इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, अगर हम उसका सही यूटिलाइज करेंगे तो डेफिनेटली हम अपना करियर ट्राई कर सकेंगे। स्पेशली मैं गर्ल्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने आप को बिल्कुल कम मत समझिए। आपके पास करियर के लिए बहुत डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपने आप को कभी रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए। और एजुकेशन के मामले में खास करके बहुत ज़्यादा आप मेहनत कीजिए, देर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़। इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग के अलावा मेडिसिन है, और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी जस्ट लास्ट ईयर की बात है कि इंडियन एयरफोर्स में भी 3 वुमेन IAS पायलट फर्स्ट टाइम बीदर में ट्रेनिंग हासिल किए थे। तो गॉन अदर डेज जब हमारे पास रिजिडिटीज हुआ करते थे, आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो इसीलिए अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत रखिए और अपने आप को कम बिल्कुल मत समझिए। मैं जब अपनी प्रिपरेशन में स्टार्ट कर रहा था, मैं एक ही इंटेंशन में था कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है,
किसी भी तरह से बस एक ही और मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक था पॉजिटिव था डिस्पाइट मेरे सर्कल में काफ़ी लोगों ने मुझे मार किया था कि नहीं होगा बट मैं हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड से अपना प्रिपरेशन कर रहा था और इसके इसके साथ साथ जब मेहनत करते करते अपने मिस्टेक्स को रियलाइज किया और उस पर वर्क किया तब जाके मुझे ये मुकाम हासिल हुआ और इसके साथ साथ मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस चीज़ में मुझे कामयाबी मिली एंड आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट आई फील एम वेरी मच फॉर्चुनेट टू हैव सच पेरेंट्स हु गेव मी द अपॉर्चुनिटी डिस्पाइट डूइंग इंजीनियरिंग एंड यूजिंग अ करियर दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम इंजीनियरिंग आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम एज वेल एज आई वुड लाइक टू कन्वे अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू द सेक्रेटरी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू कम एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू आई वुड लाइक a more two-way interaction. I think that is more better than this. So I would like to take questions. Thank you.